1 एप्रिल पासून BS3 इंजिन असलेल्या गाड्यांची खरेदी विक्री आणि नोंदणी करता येणार नाही असा निर्णय बुधवारी सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे। त्यामुळे BS3 इंजिन असलेल्या जवळपास 6 लाख दुचाकींसह एकूण 8 लाखांपेक्षा अधिक नवीन वाहन शोरूम मध्ये उभी आहेत। ही वाहन खपवण्यासाठी वाहन कंपनीने आता मोठी आणि भरघोस सूट दिली आहे। इन्फॉर्मेशन पहले से इतना था कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को BS3 प्रोडक्शन 31 मार्च के बाद नहीं करनी थी। ये हम लोग को क्लियर इन्फॉर्मेशन था कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अभी BS4 गाड़ियाँ लॉन्च कर रही है सब डीलर्स में, और हमारे पास आना भी चालू हो गई थी BS4 गाड़ियाँ, मतलब 31 मार्च से पहले। बट BS3 स्टॉक एक साथ इतना जल्दी नहीं मूव हो सकता, जो पहले से हमारे पास स्टॉक पड़ा है डीलर्स के पास वो इतनी जल्दी निकल जाए वो इतना गारंटी कोई डीलर नहीं दे सकता उसका। और ये रही बात पासिंग की जो बोल रहे हैं अभी रजिस्ट्रेशन की, 1 अप्रैल से रजिस्टर भी नहीं हो सकती, वो न्यूज़ अभी आज मिली हमें। तो अगर इतने कम नोटिस पे अगर हम लोग अपना स्टॉक रजिस्टर कराए तो कैसे पॉसिबल है? वो टोटल इतने डीलर्स है, सारे अलग अलग कंपनीज है, उन लोग के पास BS3 की गाड़ियाँ कुल मिला के लाख में होगी, तो वो गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन 1-2 दिन में अगर पॉसिबल है तो उसका क्या सोल्यूशन है बताओ? मेन तो क्योंकि स्टॉक अल्टीमेटली स्टॉक डीलर का ही अटक रहा है पूरा, उसमें ना कस्टमर को उससे कुछ लेना देना, ना कंपनीज को उससे कुछ फर्क पड़ रहा है। तो कितना का नुकसान हो रहा है मतलब इस तरह के? अभी आज की डेट में हम गाड़ियां 10,000 मिनिमम डिस्काउंट में निकाल रहे हैं। हर एक गाड़ी पे 10 से 15,000 तक का डिस्काउंट देना पड़ रहा है हम लोग को गाड़ी निकालने में, प्लस ऊपर से जब हम उसकी पासिंग कराएंगे रजिस्टर कराएंगे उसको तो वैट अलग जो हम लोग टैक्स भरते हैं एक्साइज, तो हर चीज़ में मतलब हमारा तो उसमें नुकसान ही हुआ है, कुछ कमाने नहीं मिल रहा। तो ये फेयर डिसीजन नहीं है मेरे ख्याल से। अगर एटलीस्ट डीलर्स को टाइम मिलना चाहिए कि इतने इतने टाइम तक पासिंग का पीरियड देंगे इनको कि ये गाड़ियाँ इतने टाइम में रजिस्टर करो, तो कम से कम हम लोग कुछ सोच सकते थे कि हम लोग को कैसे बेचनी है कैसे निकालनी है गाड़ी। अगर 2 दिन में बताओगे तो कभी भी इतना फास्ट तो ना हमारा RTO है ना इतनी जल्दी कोई गाड़ियाँ निकलती है। आज आणि उद्यापर्यंत गाड्या बुक करणाऱ्यांना ही सूट मिळणार आहे। या गाड्यांच्या खरेदी केल्यानंतर उद्यापर्यंतच नोंदणी करायची आहे, त्यानंतर गाड्यांची नोंदणी होणार नाही। तुम्हाला कोणत्या शहरात कोणती बाईक हवी आहे हे कंपनीला तातडीने कळवावं लागेल किंवा थेट डीलरशी संपर्क साधून अधिक माहिती जाणून घेता येईल। व्हिडिओ जर्नलिस्ट सनी मेहरोलसह पंकज बेनवंशी यांचा रिपोर्ट।